डॉक्टर साहब आपके घर में कुत्ते? मैंने कहा नहीं, कुत्तों के घर में हम हैं। बिल्कुल सही बात है, कुत्तों के घर में हम हैं। हमें कोई आदमी अगर कहे आके, लकीली मुझे बीबी भी ऐसी मिल गई कि वो अगर आप आके कहें ये कुत्ता माँ बंद कर दो तो आपको चाय नहीं मिलेगी। आपको चाय नहीं मिलेगी। अच्छा, आप अगर कुत्ते की तारीफ करेंगे तो वो तुमको दूध पिलाएंगे। क्या बात है। तो ये है, तो लकीली हमको बीबी भी ऐसी मिल गई कि हमारा साथ निभा रही है। तो बात कर रहे दूसरा क्या चीज़ दें। हाँ, तो उस समय जो घर के रख रखाव जहाँ कुत्ते रहते हैं आपके, वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, क्लीन। न्यूट्रिशन में सर क्या दें, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं मल्टी विटामिन देना है? हाँ नहीं नहीं, वो मैं बताऊँगा आपको कि एक तो पहली बात तो जब हीट में आ रही है फीमेल, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उससे पहले उसे थोड़ा सा, जब हमें ये आइडिया हो जाता है बाल गिरा दिए, अच्छा कोट सेट कर रही है, अब इसका टाइम आ रहा है हीट में आने का। हीट में आने से पहले कोट शेडिंग? हाँ, एक उसे कोट शेडिंग होती है, कोट शेडिंग करने के बाद में जब नए बाल आ जाते हैं तो इट मीन्स उसकी तैयारी हो गई है हीट में आने के लिए। ओके, हाँ तो हाँ हिंट समझ सकते हैं इसको, हीट साइकिल से पहले कोट शेड करना और जो नया कोट आता है तो इट मीन्स द फीमेल इज नाउ गेटिंग रेडी फॉर या हीट टाइम। ओके, उस टाइम पे उसको साफ सुथरे माहौल में रखना, एक कोई हल्की सी मल्टी विटामिन वगैरह उसको देते रहना चाहिए। अच्छा, जिससे अंदर कोई उसकी वीकनेस या कुछ ऐसा ना हो, ओवुलेशन उसको अच्छा हो, ठीक है, तो मल्टी विटामिन दे दें। हाँ, मल्टी विटामिन वगैरह दे दें। और डीवॉर्मिंग सर कब करें? क्योंकि डीवॉर्मर एवरी सिक्स मंथ। ओके, एवरी सिक्स मंथ। हाँ, अगर आपने हीट में आने से 15 दिन महीने भर पहले दिया तो कोई जरूरत नहीं है देने की, ठीक है। और अगर आपको बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया, तो हीट में आते ही या उससे 2 दिन पहले या 4 दिन 6 दिन 10 दिन पहले डीवॉर्मर आप उसको दे देना चाहिए, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी 45 डेज पर डीवॉर्मर कंपलसरी है देना। ओके, क्योंकि अंदर जो टेपवर्म होते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा जो आवन नाल होती है उसके द्वारा बच्चों के पेट में पहुंच जाते हैं, जो बच्चों की आंतों को खाना शुरू कर देते हैं। आई एम रिपीटिंग योर वर्ड, 45 डेज पे डीवॉर्मिंग ऑफ फीमेल जो कि कंसीव्ड है। हाँ, जो कंसीव है, ठीक है, और वो भी ओनली डोरेंटल प्लस। ओके, डोरेंटल प्लस, हाँ, ठीक है, जो बायर कंपनी बनाती है और वो ही रिकमेंड करती है, बाकी डीवॉर्मर कोई रिकमेंड नहीं करता। ये आपके लिए टिप है फ्रेंड्स, डोरेंटल प्लस नाम का डीवॉर्मर ही यूज करें, चाहे आपके पास मेल है चाहे फीमेल है। हाँ, वो 10 kg वेट पे एक टेबलेट दी, 10 kg पर सिंगल टेबलेट चलती है, ठीक है। तो ये दें, जरूर दें, उससे ये बच्चे सारे सेफ होंगे, बोन्स वगैरह। 60 डेज पर जो है डिलीवरी टाइम आ जाएगा, राइट। और डिलीवरी के दौरान से जब कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो कुछ लोग कुछ इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वैसे कायदा ये है कि इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए। ओके, क्योंकि उससे जो ऑक्सीटोसिन वगैरह आप लगा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, उससे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, और आने वाले टाइम में आगे चल के जो वो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, एंड उस फीमेल को भी आगे चल के ब्रीड करने में दिक्कत आपको आएगी। तो फिर जो जैसे पपी जो डिलीवर हो रहे हैं जिस वक्त पे, तो एक बच्चा टाइम ले रहा है बाहर आने में, तो उसके लिए फिर क्या वेट करना? नहीं, जैसे होम्योपैथी में पल्सर टील आता है, वो अच्छा, आप दे दीजिए। अच्छा, हाँ, तो 10-10 बूंद एवरी हाफ आवर्स, हर आधा घंटे में। आप रिपीट करेंगे, नाम क्या बताया आपने? पल्सर टीला। ओके, पल्सर टीला, ये होम्योपैथी में ड्रॉप है। हाँ, ड्रॉप है। कितनी ड्रॉप्स देनी होंगी? वो 10 बूंद, 10 बूंद आधे घंटे में रिपीट, हर आधा घंटे में, तो हर आधा घंटे। तो उसके लिए उससे फीमेल का लेवर पेन जो है वो अच्छा हो जाता है। तो उसे हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसानदायक नहीं है, उससे जो है उसका लेवर पेन जो होता है वो अच्छे से आ जाता है, ठीक है, तो डिलीवरी होने में तकलीफ नहीं होती, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और चलो डिलीवरी हो जाए, अब डिलीवरी के बाद में जो पपीज़ की डीवॉर्मिंग का बताएंगे, साइकिल क्या है? और नहीं, डीवॉर्मर अगर आपने बिच को दिया है 45 डेज पर, ठीक है, तो इतने जल्दी डीवॉर्मर देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन पहले ही डीवॉर्मिंग डोज जो है वो 21 डेज पर दे देनी चाहिए। ओके, पपीज़ को, ठीक है, जिसमें डोरेंटल प्लस नाम का एक ड्रॉप आ गया है, ओके, वो बेस्ट है। ओके, या पहले एक इपका कंपनी बनाती है नीमोसिड नाम का, नीमोसिड, हाँ, वो भी देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ड्रॉपर, जो ड्रोनटी प्लस का आपने ड्रॉपर बताया पॉपीज के लिए, वो कितने वेट पर कितना, वो 1 किलो वजन पे 1 ml देना होता है। तो 21 डेज पे पॉपी नियर अबाउट 1 kg होता होगा, 1 kg या 1.5 kg होता है। तो 1.5 kg पर तो 1.5 ml देना, 1.5 ml, ओके ठीक है ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस थिंग अबाउट दिस। अभी जो एक मीटिंग को लेकर लोग रखते हैं कि 10वां दिन होना चाहिए, 12वां दिन होना चाहिए, कोई थंब रूल है कुछ ऐसा कि जो साइकिल चल रहा है, हीट का साइकिल चल रहा है, या लोग स्लाइड बनवाएं, प्रोजेस्टेरोन बनाएं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? वैसे देखा जाए कुछ लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बना लिया है, बिल्कुल जो पैथोलॉजी वाले लोग हैं उन्होंने अपना बिजनेस भी बना लिया है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट करेंगे, उसका हार्मोन्स लेवल टेस्ट करेंगे। इसमें काफी कंफ्यूजन है सर, मतलब बहुत से लोग प्रोजेस्टेरोन करवा रहे हैं लेकिन उनको फिर लेवल नहीं पता है, उनसे करवा रहे हैं। मैंने तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये, जितनी बार भी मैंने प्रोजेस्टेरोन कराया उतनी बार फीमेल खाली गई हैं, खाली गई है बताओ। और जितनी बार मैं बिना प्रोजेस्टेरोन लेवल के मेट कराने गया हूं तो सबने बच्चे दिए हैं। ठीक है, वो सबसे सीधा सा है, आप घर के बाहर कुत्ता घुमाने जा रहे हो और कहीं पेशाब कर रखा है किसी को, कुत्ते ने बाथरूम कर रखा है, उसे देख के फीमेल सूंघेगी फिर पूंछ उठाएगी। अच्छा। तो इट मीन्स वो या देसी कुत्ते को right देसी कुत्ते को देख के उसकी तरफ आकर्षित होगी। okay. तो वो सारा आइडिया जब आप ब्रीड कर रहे हैं तो इसमें इतना तो ज्ञान हो जाता है। ये नहीं लो, पहले भी तो ब्रीड करते थे, पहले भी तो ब्रीड करते थे। आप उसको डाइट पर ध्यान दें, आप उसके अच्छा खाना दें, प्रॉपर डाइट उसकी जो वो दें तो ब्रीड कर। आप कुछ बता पाएंगे हमारे व्यूवर्स को या जो नए लोग हैं जो इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं कि आफ्टर 9 डेज और 10 डेज जो एक ये एक टाइम आता है व्हेन फीमेल इज रेडी, वो कौन सा टाइम होगा? मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ 12 और 14 डेज। ओके, 12 और 14। हाँ, 14 डेज। पहली सर्विस 12वें दिन पे करा दूँ। ओके, और 36 घंटे तक इसको हम जिंदा रहते हैं। ओके, जो हाँ जो उसके एग में काम कर रहे हैं। ठीक है, और 48 घंटे बाद दोबारा सर फिर एक सर्विस हो जाती है। ठीक है, कई बार उस समय कंसेप्शन नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में कंसेप्शन हो जाएगा। ओवुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है फीमेल कब बच्चे अंडे निकाल रही है। ठीक है, ये तो ट्रूथ है सर। देखो, आपसे मैंने फ़ोन पे बात की है कभी और आपने मतलब दिल खोल के टाइम दिया। इनकी खासियत यही रही है कि इनसे आप कभी भी बात कर लो, ये बिजी भी होंगे लेकिन आपके लिए टाइम निकालेंगे। और आप नहीं, कुत्ते वाले के लिए तो मैं अगर मर भी रहा हूँ तो भी मैं बात कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। एक कॉन्सेप्ट चलते हैं इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग और जो है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब नहीं देखिए, ये लाइन ब्रीडिंग एक चीज आती है। नहीं, लाइन ब्रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो तीसरी जनरेशन के बाद, ठीक है, तीसरी जनरेशन के पीछे जाइए। ओके, इतना नज़दीक का लाइन ब्रीड मत करिए बेटा, ये पर्दा इधर कर दे प्रदीप, तो इतना नज़दीक में मत जाइए। आपका भाई से बहन को मेट करा रहे हैं या माँ को बेटे से मेट करा रहे हैं, बस बेटा तो ऐसा ना करें, उससे दिक्कत आती है। अच्छा, कई बच्चों में फॉल्ट आता है, कई प्रॉब्लम पैदा होती हैं, मामा पुपी के भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो सब है, तो ये ठीक नहीं होता। ठीक है, है ना। तो आप जो है आपका कहना है मतलब थर्ड जनरेशन के पार पीछे, मतलब 3 जनरेशन से नीचे नीचे कोई ना 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 ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली हैं आपकी जो डॉग शोज विनिंग्स रही हैं, आपके जो डॉग टाइटल्स जो आपने कभी, तो वो कौन कौन से अरे हम कुत्तों के घर में रहते हैं, हम जब फीमेल से घर में रहते हैं घर में रहते हैं, हम हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो ये चीज की आदत डाल लीजिए। चलो, ये कुछ देर करेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। ओके, आपकी जो मैक्सिमम विनिंग्स जो आप बता रहे थे 9 विनिंग्स हैं और उसके अलावा बताएंगे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस? मेरी एक फीमेल जो मैंने क्वांडो से लेटर लिया था उसकी एक बच्ची अबैकोल करनाल में कोई लड़का होता था। ओके, उसके पास थी जो 2 साल तक हिंदुस्तान के नंबर वन फीमेल, 2 साल तक वो फीमेल नंबर वन रही। ओके, और एक फीमेल उसी की लिटर सिस्टर पीए सुरेश पूना में है। ओके, वो भी बहुत विनर रही वो फीमेल। ओके,
एक उसी की लिटर सिस्टर कपिल कृष्णमूर्ति के पास रही, ठीक है, जो आज भी उस लाइन को वो यूज कर रहे हैं, ओके, आज भी उस लाइन को ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत लाइक करते हैं मेरी उस लाइन को, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जितना भी आप करो तो अच्छे से अच्छा करना सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर शोज में कंपीट करना छोड़ दिया एक एज नहीं के नहीं ये मैंने इसे मैं टू बी वेरी फ्रैंक इसलिए कर दिया, पहले तो एज फैक्टर, बट ये कि एज फैक्टर के लिए बच्चे मिल जाते हैं वो सब होते हैं, किसी के सहयोग ले लो, लेकिन वहाँ चीटिंग होने लगी है, ये शौक नहीं रहा, लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया, वहाँ चीटिंग होने लगी है कि डॉग शो में मेरा कुत्ता विनर बन जाएगा तो मेरे कुत्ते के स्टड के पैसे बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा, या स्टड वो ज़्यादा अच्छे आने लगेंगे, या फीमेल जीत गई तो उसके बच्चे बहुत आसानी से बिक जाएंगे, या ये सब है, लेकिन नहीं, ठीक है। आप एक गरीब ने कुत्ता पाल रखा है, अगर वो कुत्ता अच्छा है तो उस कुत्ते को ही विनर बनाना चाहिए, उसे जीतना चाहिए, उसे जिताना चाहिए, उसी को जिताना चाहिए। मेरी ये कैनल वालों से और इन लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो लोग ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रॉम दिस वीडियो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे भी लगता है और डॉक्टर साहब ने भी यही बोला है कि जितने भी कैनल्स हैं इंडिया के, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा वो दूर करेंगे तो ये गेम और ये जो शौक है इसको बहुत सहारा मिलने वाला है, क्योंकि इतना महंगा काम है अच्छी से अच्छी ब्रीड लाना और उसको केयर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को से दूर रहा जाए, एक डिज़र्विंग डॉग को जीतना ज़रूरी है, उसे जीतना चाहिए चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपके हिसाब से जो अच्छी ओवर ब्रीडिंग कर रहे हैं, बाय द वे मैं बता दूं डॉक्टर साहब के जो कैनल का जो नेम है वो शाइनिंग स्टार है, राइट? शाइनिंग स्टार के नाम से जो डॉग्स के नेम है वो अंडर डॉक्टर सोहनवीर सिंह तेवतिया जी के पास ही है। तो आपके हिसाब से और जो कैनल्स हैं जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं वो कौन से हैं जो आपको लगता है? नहीं, बहुत हैं, लेकिन मैं किसी पर कोई फेत्र नहीं करता हूँ कभी। ओके। मुझे मेरे घर में अगर एक साल में चार बच्चे हुए हैं तो वो मैं उन्हीं को देख के खुश हो जाता हूँ कि मैंने पैदा किए हैं तो वो कुछ होंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं और लोगों पे किसी पे, जैसे दुनिया भर के कैनल हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो लेकिन ये वहाँ जो है ना, पता लगा खुदा पहाड़ तो निकली चुइयाँ, ठीक है। हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो अभी आपको लगता है कि सर जैसे आप ब्रीडिंग करते हैं, नो डाउट आपने एक एज निकाली है और अभी भी आप एक अच्छे लेवल पर ब्रीड कर रहे हैं, आई डोंट नो कि फ्यूचर में आप इसे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई विश कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपकी तरफ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं मैंने देखे हैं स्पेसिमेंस को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कभी इनकी ब्रीडिंग में ऐसा कोई फीमेल ऐसा कोई डॉग नहीं देखा जिसमें कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आया हो, चाहे वो HD हुआ या किसी के कान ना खड़े हुए हों, या किसी को HD आया हो, या मतलब लेग प्रॉब्लम आई हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप बिल्कुल ऐसी ही ब्रीडिंग को अपना स्टैंडर्ड जरूर बनाएंगे। तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया और इनकी तरफ से तो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इनसे मुझे लगता है कि इनकी बातें बस सुनते रहिए क्योंकि इनके पास इतनी बातें हैं बताने के लिए। आप तरह तरह के नाम सुनेंगे, उसका नाम, इधर से नाम, डॉग्स के नाम, इनको मतलब ब्रीड्स में इनको बहुत नॉलेज है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, मैं जो नए व्यूवर्स हैं या जो आने वाले, मैं उनसे यही कहूँगा कि ईमानदारी से आप कोई भी काम करें वो ज़रूर कामयाब होता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सभी लोगों का मेरा यही ओपिनियन है, मेरा यही है कि कभी भी चीटिंग ना करें, दूसरा अच्छे से अच्छा ब्रीड करने की कोशिश करें, लाइन देख के ही ब्रीड करनी चाहिए उसको, क्योंकि इनकी पेडिग्री सबके पास होती है, कोई नज़दीक की लाइन ब्रीड ना करें, तीसरी जनरेशन के पीछे जाके कहीं ब्रीड करें तो अच्छा है, बट यही है भाई। और रेयर करने में कभी भी कोताही नहीं बरतना, ठीक है। आप एग्जांपल दे रहे थे, अगर आप एक बरगद के, हाँ नहीं नहीं, एग्जांपल क्या, वो आप सच्चाई है भाई, आप एक बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, वो कितना बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़ा है, उसके नीचे बैठ के पूजा करते हैं, उसके नीचे संध्या करते हैं, वो कितने लोग बैठ के उसके नीचे, पूरी बारात बैठ जाती है उसके नीचे, इतना बड़ा दरख्त हो जाता है। और उसी को आप गमले में लगा दो
तो उसका नाम बोनजाई दर दिया है, उसका बोनजाई कह दिया, उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी करके उनमें रस्सी बांध के। इसका क्या है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग यही है कि जब आप एक चीज इतनी लार्ज और इतने एक अच्छे साइज की और एक अच्छी पेडिग्री लेके आ रहे हैं, आप उसको न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं, आप उसको अच्छा माहौल ही दे रहे हैं, हाँ, तो क्या ग्रो वो कुछ नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप उसे अच्छी डाइट दें, अच्छे प्यार दें, आप अच्छे से उसका लुक आफ्टर करें, देखभाल अच्छे से करें, तो वो सदा अच्छा बनेगा। और मैंने अपनी लाइफ में कभी अपने घर में अपने कुत्तों में आज तक कोई डिजीज होती हुई नहीं देखी कि किसी को टिक फीवर हो गया है, किसी को पार्वो हो गया है। कैसे इंश्योर करते हो सर कि टिक आए ही ना घर के अंदर, इसको कैसे आप करते हो? नहीं नहीं, जैसे टाइमली देखिए मेरा बाली साहब कि मैं सुबह उठता हूँ, मेरा दिनचर्या है, मैं सुबह उठ के एक कप चाय पीता हूँ, उसके बाद में फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद में और कुछ मैं जब करूँगा, जब सारी बीचेज में पहले तौलिए से ग्रूमिंग करूँगा और एक एक बाल में को कंघा निकाल के, ठीक है, तब मैं छत से नीचे आता हूँ, सारी फीमेल मेरे छत पे मेरे साथ जाएंगी दौड़ के और वो आपस में झगड़ा करेंगी, पहले मुझ पे करो फिर मुझ पे करो फिर मुझ पे करो, एक एक बाल में को तो टिक्स कैसे हो जाएंगे, ठीक है, या फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा, मतलब रूटीन में आपको, हाँ, रूटीन में अगर मैं बीमार भी होऊंगा लेकिन मेरा कुत्ते पे ग्रूमिंग हुए बिना नहीं रहेगी। फ्रेंड्स दिस इज द क्रेज, इतनी उम्र में भी मतलब एवरीडे ग्रूमिंग हो रहा है, एवरीडे तो बिल्कुल टिक्स तो आएगा ही नहीं अगर एवरीडे, वो कहां से आ जाएगा जब आप एक एक बाल को आप देख रहे हैं, एक एक बाल को वॉच कर रहे हैं, एक एक बाल को आप आंखों से देख रहे हैं, तो टिक्स कहां से आ जाएगी, नहीं आ सकते। बट अगर सपोज चलो आ गया तो आ गया तो हम लोग रीड उस पे उसके लिए यूज करता हूँ, मुझे रीड से अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं लगता, ठीक है, रीड एक लोशन होता है जो पानी में मिला के उनको एप्लीकेशन करा जाता है, ठीक है। आप टिक के सीजन में जो बताएंगे कि कितना रीड जो है कितने पानी में उसे 1 लीटर में 2 ml रीड मिलाइए, ठीक है, और उसकी बॉडी पे स्प्रे कर दीजिए, ठीक है, और एप्लीकेशन कर दीजिए, बस नहीं, अच्छा पहले नहला के फिर आप उसको एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे, 2 ml रीड लगा के स्प्रे कीजिए, हाँ, और उसके बाद उसे छोड़ दो, ठीक है, फिर दैट्स इट, काम काम कर, कुछ नहीं, अरे वाह, उसका कोई रिस्क नहीं। मैंने सुना था कि इसको बस उसको नहलाओ फिर से, नहीं 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 उसका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, और वो कई चीज में लाभदायक है, फंगल इन्फेक्शन के लिए, अच्छा, टिक्स के लिए तो है ही है, अच्छा, लेकिन स्किन प्रॉब्लम में भी वो काम आता है, ठीक है, जैसे डेंड्रफ हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जहाँ कुत्ता खुजाता रहता है, खुजली करता रहता है, तो उसमें भी वो काम करता है। तो रीड का जो एप्लीकेशन है ये रूटीन में रखना चाहिए या टिक्स के टाइम पर ही रखना नहीं, चाहिए? नहीं, टिक के सीजन में, ठीक है, हाँ, बस सर्दी में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, सर्दी में तो जरूरत नहीं, आप मेरे कुत्ते अब देख लीजिए गर्मी के सीजन में भी ऐसे होंगे जैसे जनवरी के महीने में लोगों के मिलते हैं। फ्रेंड्स आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको 2 females दिखाई थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, फीमेल की एज क्या है? एक फीमेल मेरी 6 साल की है उसमें, हाँ, और एक फीमेल उसमें मेरी हो गई 4 साल की। देखने वाली बात ये थी उन दोनों फीमेल्स में आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि 6 साल की कौन सी और 4 साल की कौन सी है, क्योंकि दोनों फीमेल वो 2-2 साल की लगेंगे आपको, यही केयरिंग मतलब इस उम्र में डॉक्टर साहब कर पा रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत कुछ कर पाएंगे और आपका स्पेसिमेन बेस्ट होगा, कोई भी देखेगा आपकी तारीफ करेगा। मेरी ये 65 years old हूँ मैं, 19 मार्च को 65 साल का हो गया हूँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, अभी इनसे बात हो रही थी कि अभी रिसेंटली इनका बर्थडे गया है एंड आई विश कि ये ऐसे ही अपनी हेल्थ में बने रहें और आगे करते रहें काम, और इनसे फिर से मुलाकात भी करेंगे। आई थिंक तब तक के लिए आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल और ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। तो सर आप बोलिए मेरे व्यूअर्स को और मेरे नए व्यूअर्स को बोलिए कि चैनल के बारे में। नहीं, रियली इज माय लकी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ तुम लोग यहाँ तक आए और इतनी दूर आके मेरा मेरे बारे में आपने सुना, उसका आपने आके मुझसे पूछा, तो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं जो इस तरह के सार्वजनिक बातों में और दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो बाली जी आपका ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे, अर्थात एक पशु के प्रति ऐसी भावना रख रहे हैं, अरे हम अपने आप में कुछ है तो दूसरों को भी कुछ बनाना चाहें, बिल्कुल अच्छा लगा। सो
सो गाइस प्लीज लाइक माय चैनल बाली बबल टॉक्स. Thank you.